देखो नारद बातू नहीं आए। अच्छा बहुत अच्छा है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, एक बार हम क्रोधित हो जाते हैं तो फिर किसी को नहीं देख। हाँ हाँ इंद्रदेव, ये तो होगा ही, क्योंकि आप क्रोधित ही तब होते हैं जब देखने वाला कोई नहीं होता। वो तो है, पर जितना हम क्रोधित होते हैं उतने सामने भी तो हैं। इसलिए तो सभी देवता मुझे अपना राजा मानते हैं। हाँ हाँ प्रभु, आप तो शूरवीर हैं, दानवीर हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप राजा ही नहीं हैं। अरे महाराजा हैं, महाराजा। अच्छा है नारद, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ देवराज, आप जैसा महाराजा मिलना देवताओं के लिए बड़ा ही कठिन है। क्यों प्रभु, मैंने सत्य कहा ना? सचमुच बहुत कठिन है। आप सभी देखना, इस बार स्वर्ग लोक के चुनाव में विजय मेरी होगी, यानी कि देवराज इंद्र की। मैंने देवताओं को अभी तक संभाल के रखा है। यदि मैं ना होता तो देवता कब के भगा दिए गए होते स्वर्ग लोक से। मुझसे श्रेष्ठ कोई राजा है क्या यहाँ? देवराज इंद्र, ये ना भूले, सभी देवताओं ने मिलकर आपको इस सिंहासन पर बैठने के लिए चुना है। हाँ हाँ प्रभु, आपने सत्य कहा, परंतु मुझसे अधिक बुद्धिमान, शक्तिवान और लायक राजा को। मेरी कमर। राजा जी गिर गए, राजा जी गिर गए। अरे अरे कोई बचाओ इनको। अरे जाओ जाओ राजा जी, हाँ जाओ जाओ, सब सहायता करो एक दूसरे की। और भारी राजा गिर गए। मैं दबा दूं क्या? यहाँ दर्द है। अग्निदेव, दबाने आए कि बचाए, मारने आए? अरे 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 अरे, अरे। ये क्या कर रहे हैं अग्निदेव? आप जाइए, इनको तो मैं संभाल लूंगा। जाइए जाइए देवराज, उठने का प्रयत्न कीजिए। अरे अरे अरे, ओह आइए आइए आइए, आपका सिंहासन पुकार रहा है आपको। सिंहासन, सिंहासन पीछे मेरा सिंहासन। आइए, आपका सिंहासन कभी नहीं छोड़ूंगा। आप कर सकते हैं देवराज, आप कर सकते हैं। करूंगा देवराज। बहुत पीड़ा है। अरे रे देवराज, बैठने में अति पीड़ा हो रही है। बहुत कठिन है देव ऋषि। फिर तो इंद्रलोक का सिंहासन खाली रह जाएगा। मेरा इंद्रासन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं सो जाऊंगा, मगर अपना इंद्रासन नहीं छोड़ूंगा। शांत शांत देवराज इंद्र, शांत। प्रिय देवताओं, इंद्रराज पीड़ा में है और सिंहासन पर बैठ नहीं सकते और सिंहासन को खाली भी नहीं रखा जा सकता। इस सिंहासन पर किसी ना किसी को तो बैठाना ही होगा। सत्यवचन प्रभु, मैं तो कहता हूं जब कुछ समय बाद इंद्रलोक में चुनाव होने वाले ही हैं, तो अभी क्यों नहीं, जब तक के इंद्रदेव ठीक नहीं हो जाते, हमें एक राजा का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। अवश्य, तो स्वर्ग लोक में चुनाव हो जाए। हो जाए, हो जाए, हो जाए। मैं ये सोच रहा था कि चुनाव कैसे होते हैं प्रभु। चुनाव? चुनाव तो बड़े सरल तरीके से होते हैं। सुनो,
जब भी किसी शक्तिशाली और बुद्धिमान देव को लगता है कि वो अति शक्तिशाली, अति बलशाली और अति बुद्धिमान है और राजा बनने लायक है, तो वो चुनाव में खड़ा हो जाता है और बस प्रजा उसे प्रेम देती है। जिसके पास सबसे ज्यादा प्रेम, वो राजा बन जाता है। तुम क्या सोच रहे हो शिंगू? प्रभु, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा चतुर हूँ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, सबसे ज्यादा बलवान हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिमान हूँ, तो मैं क्यों नहीं राजा बन सकता प्रभु? क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ चिंगू, तुम्हें भी अपना नाम लिखवाना चाहिए। चिंगू महाराज की जय। चिंगू महाराज की जय। इंद्रदेव जी, राजन। ठीक है जी राजन। अग्निदेव जी राजन। सब ठीक है? हाँ सब ठीक। ये नारद दिखाई नहीं दे रहे राजन, आपके लिए और फलाहार लेने गए। मैंने आपसे पूछा? नहीं राजन, क्षमा राजन। ठीक है। तो बताइए क्या यही कि नारद कहाँ गए? अभी तो बताया राजन। अरे तब मैंने पूछा नहीं था, अब पूछ रहा हूँ, बताया जाए। राजन, आपके लिए और फलाहार लेने गए। वैसे ये सारे लोग यहाँ क्या कर रहे? आपका अभिनंदन करने आए अपने महाबली, बलशाली, शक्तिशाली, तानुकली बली का वध किया है ना? वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों का भी वध कर देना चाहिए। क्षमा राजन, क्षमा। पेश किया जाए। क्या? अरे मूर्खों, शरा को नृत्य के लिए प्रस्तुत किया जाए। अवश्य अवश्य राजन। क्या हो गया?
चिंगू 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 राज कहो चिंगू राज ये शायद स्वप्न देख रहा है चिंगू चिंगू उठो चिंगू उठो चिंगू तुम स्वप्न देख रहे हो क्या हुआ अप्सरा अप्सरा मुझे क्या पता शयन कक्ष में होगी अपने अपने मैं राजा नहीं बना तुम राजा बन सकते हो चिंगू परंतु केवल अपने स्वप्न में तो फिर चुनाव का सुझाव सही है ना ब्रह्मदेव हाँ नारायण सुझाव तो ठीक है किंतु अभी तक भोलेनाथ नहीं आए हम आ गए ब्रह्मदेव समाधि में कोई विघ्न तो नहीं हुआ भोलेनाथ नारायण जब बात समग्र देवताओं के हित की हो तो समाधि को भी अल्पकालिक विराम दिया ही जा सकता है तो कहिए क्या निर्णय हुआ देवराज इंद्र जब तक ठीक नहीं हो जाते उनके सिंहासन पर किसी ना किसी को तो बैठना ही चाहिए क्यों वायुदेव हाँ हाँ चुनाव तो होना चाहिए पर इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा कौन स्वयं इंद्र वो तो यदि इंद्रदेव ने सभी देवताओं का प्रेम जीत लिया तभी तो नारायण आप ही बैठ जाइए मैं नहीं नहीं मैं नहीं आप बैठिए ना मैं नहीं भोलेनाथ आप बैठिए नहीं नहीं मैं भोला भंडारी अपने कैलाश पर ही ठीक हूँ राजा थोड़ा युवा होना चाहिए शांत शांत ब्रह्मदेव शांत देवराज इंद्र जब तक ठीक नहीं हो जाते हमें सभी देवताओं से पूछकर कोई नया राजा नियुक्त करना चाहिए प्रिय गरुड़ राज ने सभी देवताओं से पूछ लिया है पर प्रभु आपके इस पर से ना मुझे बहुत डर लगता है इसीलिए इस पर के परे क्या है कृपया करके बता दीजिए कई देवता देवराज इंद्र को पुनः सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं और कई देवता चुनाव करके नए राजा की नियुक्ति चाहते हैं ओहो, अब देवराज के सामने चुनाव लड़ेगा कौन नारायण नारायण नारद बातुनी आए परंतु प्रभु मैं आपका भक्त हूँ ठीक से आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता चुनाव में क्या खड़ा होगा नारद आपकी ना में भी मुझे हाँ क्यों सुनाई दे रही है नहीं प्रभु आप गलत सुन रहे हैं मुझसे ये चुनाव की परीक्षा देती नहीं बनेगी प्रभु नारद देव आप तो नारद मुनि है नारद मुनि सारा जग आपको कहता है नारद मुनि हाँ मुनि हाँ आप तो गुणों का भंडार है आप ज्ञानी है आप विद्वान है आप चतुर है और आप प्रभु के प्रिय भक्त अवश्य नारद आपका सबसे बड़ा गुण ये है कि आप राज विद्या जानते हैं अरे नहीं प्रभु उसमें जानने का क्या है अपने आसपास देखकर सीख लेता हूँ नारद जी प्रभु आप कितने मिलनसार हैं सबके बीच में तालमेल बनाना आपको भली भांति आता है और आप दानवों और देवताओं के दोनों के ही प्रिय हैं जाइए चुनाव लड़िए परंतु प्रभु नहीं नहीं मुझसे ना हो पाएगा ये नारद प्रभु नहीं नारद जाओ नारद चुनाव लड़ो
जो आज्ञा प्रभु। मैं नारद मुनि देवलोक का चुनाव अवश्य लड़ूंगा, परंतु प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए। मैं तो सदैव आपके साथ ही हूं नारद। बस फिर देखते हैं कि मुझे कौन हरा पाता है। नारायण नारायण। चिंकू इतनी प्रसन्नता की बात है कि चुनाव में मेरा चित्र स्वयं चित्र देव बनाएंगे, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। प्रभु चुप। बड़े क्रोधित मालूम पड़ते हैं। चुनाव में खड़ा होना है? हाँ प्रभु। लोगों का प्रेम पाना है? हाँ हाँ प्रभु। तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि लोगों का खूब प्रेम मिले। क्या करूँ क्या करूँ? हाथ फैला, फास हाथ फैला। ऐसे नहीं, नहीं 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 नहीं, ये जो दूसरा हाथ है ना, ये दूसरा हाथ अपनी कमर पे रखिए। एक हाथ कमर पे क्यों? क्योंकि आपको कमर तोड़ परिश्रम करना है। नहीं 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 नहीं, कुछ आनंद नहीं आ रहा है। फिर क्या करूं चित्रदेव? कुछ 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 अलग कीजिए, अलग कीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, तुम करो विचार, मैं करता हूँ तैयारी। हाँ ठीक है जी प्रभु। चिंगू ये कैसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ आनंद आया ऐसा कीजिए। नहीं 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 नहीं, आप क्यों नहीं समझाते अपने मित्र को? ये क्या कर रहे हो आप? इसी नौटंकी में काम करने नहीं जा रहे हो? आप ऐसे 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 कर रहे हो। तो क्या करूं? आप देवलोक में देवताओं का प्रेम मांगने जा रहे हैं, प्रेम। ऐसे ऐसे प्रभु ऐसे। ये कैसा है चित्रदेव? हाँ ये सही है, ऐसे ही खड़े रहिए। सीधे खड़े रहो। अब कुछ भी हो जाए मैं टस से मस नहीं होऊंगा। हाँ सीधे खड़े रहो जैसे पहले खड़े थे। सीधे खड़े रहो। मुझे नहीं करना आपका। अरे अरे मानवर मानवर मानवर, रुकिए रुकिए रुकिए। ये प्रभु क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मुंह बना रहे जिसे आपने इमली खाया है। सीधे खड़े रहिए। नारद बातों ने आए। आज प्रभु बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवी प्रसन्न क्यों ना हो, आज मुझे मेरे प्रिय भक्त नारद के चुनाव प्रचार में जाना है। क्या लगता है आपको? क्या हुआ? ये आभूषण लगता है देवी थोड़ा धीरे। विजय के बारे में क्या लगता है आपको? विजय? विजय का इस चुनाव से क्या लेना देना, वो तो अपने भाई जय के साथ द्वार पर है ना। प्रभु मैं द्वारपाल जय विजय के बारे में नहीं पूछ रही, चुनाव में कौन जीतेगा ये पूछ रही हूँ। इंद्र जीतेंगे। क्या? या नारद? दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों में से ये तो समय बताएगा। आपको नहीं पता? पता होता तो मैं चुनाव की जगह विजय यात्रा में जाता ना प्रिये।
किंतु मुझे पता है। आपको पता है? हाँ। बताइए कौन जीतेगा? नहीं वो नहीं पता। वो नहीं पता? किंतु अभी तो आपने कहा कि आपको पता है। मुझे ये पता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, यदि आपको यही लगता है तो यही सही, हम चलें। प्रभु आपको मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है? हाँ? तभी तो प्रेम बढ़ता है। अच्छा, पति को प्रसन्न रहना है तो पत्नी को प्रसन्न रखो। क्या? कुछ नहीं। आज नारायण बड़े नटखट प्रतीत हो रहे हैं। चित्रदेव तो लीजिए, महान चित्रकार का चित्र तैयार। क्या चित्र बना रहा है? ऐसा चित्र कोई नहीं। चिंगू। हाँ प्रभु। मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं प्रभु, ये आपसे भी अच्छा दिख रहा है। मेरा मतलब आप। वाह 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 वाह। इसे देखकर तुम्हें क्या प्रतीत होता है चिंगू? प्रभु देवलोक के अगले देवराज। प्रभु तो बोलो हमारा नेता कैसा हो? नारद मुनि जैसा हो। 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 नारद का ये साहस कि मेरे समक्ष चुनाव में खड़े हुए हैं। देखो नारद बातों नहीं आए। देखो नारद बातों नहीं आए।